अदनान से कब लड़ने जा रहे हो? बहुत भौंकता है बेवकूफ का बच्चा, तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड रखो तुम अपने पास। सो गाइस अभी यहाँ पर एल्विश यादव वर्सेस अदनान शेख की फाइट फाइनली एंड हो चुकी है। और गाइस आप लोगों को पता होगा दोनों की लड़ाई काफी टाइम से चली आ रही है, यानी कि टिकटॉक के टाइम से ही चल रही है और दोनों ही अपनी वीडियोस के अंदर एक दूसरे को पोक एंड ट्रोल करते ही रहते थे। सो गाइस अभी यहाँ पर अदनान शेख और एल्विश यादव दोनों ने अपनी अपनी साइड से इस कॉन्ट्रोवर्सी को एंड कर दिया है। सो बेसिकली गाइस यहाँ पर अदनान शेख का एक इंटरव्यू आउट हुआ है जहाँ पर उन्होंने एल्विश यादव को एक अच्छा इंसान बताया है। सो बेसिकली वहाँ पर उनको एक वर्ड का एक हैशटैग देना था जहाँ पर उन्होंने एल्विश यादव को हैशटैग गुड बॉय बताया है। एंड वहीं पर अदनान ने लवकेश कटारिया को लेकर भी एक हैशटैग दिया है। सो आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं छोटा सा वीडियो क्लिप। वेरी गुड बॉय कटारिया स्वीट है, वो बहुत स्वीट है कटारिया, है ना? अच्छा आपको तो अच्छा भी लगा घर के अंदर उनसे मिलके। घर के बाहर बात हुई कुछ भी नहीं। एंड ऑल्सो गाइस यहाँ पर एल्विश यादव ने अपने आज के Q&A वीडियो में अदनान शेख के बारे में क्या कहा है आप लोग खुद देखिए। अदनान से कब लड़ने जा रहे हो? बहुत भौंकता है बेवकूफ का बच्चा साड़ा। यार ये चीजें करनी छोड़ दी मैंने। देखो मैं बराबर वालों से टक्कर लेता हूँ, अपने से कम नहीं, मैं जस्ट लेटिंग यू नो, ठीक है? और वो भी करना छोड़ दिया मैंने, मैं अब सबसे नॉर्मली रहता हूँ। आई एम आउट ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सीज, आई एम आउट ऑफ द नेगेटिव थिंग्स, तो मेरा कोई शौक नहीं है भाई छोटी जगह मुंह मारने का। शायद से यहाँ पर दोनों की कंट्रोवर्सी एंड हो चुकी है। सो बाकी इस बारे में आप लोगों को अपना क्या ओपिनियन, अपने ओपिनियन नीचे कमेंट कर जरूर से बता देना। एंड ऑल्सो गाइस यहाँ पर एल्विश यादव के आज के Q&A में जो उनकी पास्ट की GFC उसके बारे में एक क्वेश्चन किया गया। और गाइस आप लोगों को पता होगा एल्विश यादव की पास्ट की गर्लफ्रेंड कौन थी, तो इसी बारे में एल्विश यादव ने थोड़ा गुस्से में रिप्लाई करते हुए क्या कहा आप लोग खुद देखिए। भाई आपका ब्रेक डांस नहीं आता मेरे को, नहीं आता ब्रेक। भाई जो गर्लफ्रेंड थी सही है आपके लिए, बाकी आपकी, भाई जो गर्लफ्रेंड थी आपकी, ये कैसा क्वेश्चन अजीब सा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड रखो तुम अपने पास, ठीक है? तुम अपनी गर्लफ्रेंड को संभाल कर रखो, कहीं वो ना भग जाए। सो बाकी गाइस यहाँ पर आप लोग एल्विश यादव और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड कीर्ति मेहरा के बारे में क्या कहना चाहोगे, अपने ओपिनियन नीचे कमेंट कर जरूर से बता देना। एंड गाइस अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।